वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 18 की, जिसमें हम पढ़ेंगे बायो एथिक्स के बारे में। तो जानेंगे पूरा डिटेल में आज इस लेक्चर में। उससे पहले, आप अगर बी फार्मा में हैं या डी फार्मा में हैं, तो ये लेक्चर आप दोनों ही कोर्सेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बी फार्मा में फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस और डी फार्मा में फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, तो जो ये सब्जेक्ट्स हैं हमारे दोनों ही कोर्सेज में, वहां पर ये चैप्टर अवेलेबल है, ये टॉपिक अवेलेबल है। तो इसीलिए दोनों ही कोर्सेज के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बायो एथिक्स एक्चुअल में होती क्या है। बायो एथिक्स एक ऐसा फील्ड है जहां पर हम इंक्वायरी करते हैं किस चीज की, जो भी हमारे यूजेस या एक मोरल इंप्लीकेशंस होते हैं मेडिसिन को लेकर के या बायोसाइंसेस को लेकर के। तो जो भी हमारे यहाँ पर हम अपना इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं अपनी स्किल्स को, या हम कैसे एक अपने मोरल इंप्लीकेशंस कर रहे हैं, यानी कि हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, तो वो सब हमारे बायो एथिक्स के अंदर आते हैं। साथ ही साथ जो हमारे स्कॉलर्स होते हैं या रिसर्चर्स होते हैं, मीन्स जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो सब एक वाइड वेराइटी के प्रोफेशनल से बिलोंग करते हैं, और जो उनके डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड्स होते हैं वो भी बहुत तरीके के होते हैं। जैसे कोई मेडिसिन डिपार्टमेंट से है, कोई नर्सिंग से है, कोई लॉ से है, कोई थियोलॉजी, कोई फिलॉसफी से है, कोई हिस्ट्री से है, या फिर जो हमारे अदर ह्यूमैनिटीज या साइंस डिसिप्लिन्स आते हैं। तो हर स्कॉलर या रिसर्चर जो अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं, जो पढ़ रहे होते हैं, वो सभी डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पर एक रेंज है हमारी, किसकी, मेथोडोलॉजिकल या थियोरोलॉजिकल अप्रोचेस जो हमारी होनी चाहिए एक किस चीज के लिए, कि जो एक पॉलिसी है उसके लिए जो हमें क्वेश्चंस करने हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करना है, या हमारी प्रैक्टिस किस तरीके की होनी चाहिए, हमारा मीनिंग क्या है, वो इंक्रीजिंगली टेक्निकल उसमें जा रहा है या नहीं, या मेडिकलाइज वर्ल्ड में है या नहीं, तो इन सब चीजों पर ध्यान रखने के लिए बायो एथिक्स है। साथ ही साथ जो एक हमारा नेशन है बायो एथिक्स का, उसे कॉमनली ये माना जाता है कि जो एक जेनेटिक टर्म है बेसिकली, वो तीन उसके अंदर मेन सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे तीन उसके अंदर मेन सब डिसिप्लिन्स आते हैं। पहला है मेडिकल एथिक्स, दूसरा है एनिमल एथिक्स, और तीसरा है एनवायरमेंटल एथिक्स। यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं तो उसमें मेडिकल एथिक्स क्या है, हमारे मेडिकल फील्ड में किस तरीके से वो अच्छा साबित हो सकता है, आपकी स्किल्स क्या है, आप कैसे काम करेंगे। नेक्स्ट आता है एनिमल एथिक्स। एनिमल एथिक्स में क्या है, रिसर्चेस जब करते हैं वहां पर, किसी किसी रिसर्च में हमें अगर बात करें मेडिकल टर्म्स में या मेडिसिन डिपार्टमेंट में, नर्सिंग में, तो वहां पर हमें एनिमल्स यूज करने पड़ जाते हैं, तो उनके लिए उनके प्रति हमारे क्या भावना है वो सब झलकती है, और एनवायरमेंटल फैक्टर, जो भी हम काम कर रहे हैं उससे हमारे एनवायरमेंट पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो वो हमारा एनवायरमेंटल एथिक्स पे आता है। अब आगे बात करते हैं, बेसिकली हमारे तीन तरीके होते हैं किसके, एक बायो एथिक्स को देखने के। जैसे सबसे पहला आता है डिस्क्रिप्टिव बायो एथिक्स। ये एक ऐसा तरीका है जहां से लोगों को ये देखा जाता है कि वो लाइफ स्टाइल उनका कैसा है, और जो उनके मोरल इंटरेक्शंस हैं वो कैसे हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी हैं जो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ अपनी लाइफ में रहते हैं, यानी कि चाहे वो ह्यूमंस है एनिमल्स है, तो उनके साथ उनका बर्ताव कैसा है, किस तरीके से वो रहते हैं, कैसे अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को बियर करते हैं, उठाते हैं। साथ ही साथ हम ये भी इसमें लर्न कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कि जितने भी हमारे तरीके होते हैं जहां पर एक इंसान अपना रिस्क लाता है अपने काम को लेकर के, या जो एक बेनिफिट्स लाता है, तो उनको हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि एक होता है कि क्या वैल्यूज उसके लिए इंपॉर्टेंट रखती है, किन वैल्यूज पे वो ध्यान दे रहा है, कि जो डाइवर्सिटी है हमारी किसी भी कम्युनिटी में, डाइवर्स कम्युनिटी जो है बेसिकली, उनके साथ उसका कैसा बर्ताव है। नेक्स्ट आता है प्रेस्क्रिप्टिव बायो एथिक्स। इसमें यह बताया जाता है औरों को, जो दूसरे लोग होते हैं, कि जो एक एथिकली गुड या बैड, या यानी कि एक सही मायने में क्या सही है क्या गलत है, और जो इसके प्रिंसिपल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि जो आपको आगे जाकर डिसीजन लेना है उसमें मदद करेंगे, उसमें हेल्पफुल होंगे। तो प्रेस्क्रिप्टिव बायो एथिक्स इस तरीके से मदद करता है। और लास्ट आता है इंटरेक्टिव बायो एथिक्स। यहां पर डिस्कशन किया जाता है, डिबेट्स होती हैं किन के बीच में, लोगों के बीच में, या जो ग्रुप्स होते हैं हमारे सोसाइटी के अंदर या कम्युनिटीज के अंदर, एक या दो से ज्यादा का ग्रुप होता है यहाँ पर, समूह जिसे हम कह देते हैं, तो वहां पर एक तरीके से डिस्कशन होता है या डिबेट होती है, बहस होती है टॉपिक्स को लेकर के, ये इसके ऊपर जो डिस्कशन हो रहा है कि क्या हमारे लिए एक सही हो सकता है, क्या हमारे लिए गलत हो सकता है, तो उसके ऊपर एक जो है इंटरेक्टिव बायो एथिक्स हमारी चल रही होती है, जैसे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं या एक हमारा जर्नल आर्टिकल होता है, तो इस तरीके से काम चलता है। अब आगे बात करते हैं, बेसिकली इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR इंडिया, इंडिया की अगर हम बात करें, ICMR आपने नाम बहुत सुना होगा, तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च।
यानी कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है हमारी आईसीएमआर ये न्यू दिल्ली के अंदर है, जो इसकी एपेक्स बॉडी है इंडिया के अंदर, बेसिकली वो ध्यान देते हैं कि फॉर्मुलेशन किस तरीके से होते हैं हमारे मेडिसिन के, कोऑर्डिनेशन क्या है, प्रमोशन किस तरीके से होता है हमारे बायोमेडिकल रिसर्चेस का, और ये सबसे पुराना एक मेडिकल रिसर्च बॉडी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व भर में। साथ ही साथ इसे जो है बेसिकली 1949 में बनाया गया था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर को, जिसमें बेसिकली इसे एक्सपेंड किया गया था धीरे धीरे इसके फंक्शंस को देखते हुए, इसके इस फंक्शंस के स्कोप को देखते हुए, यानी कि इसका दायरा बढ़ाया चला गया था। नेक्स्ट जो आईसीएमआर है बेसिकली इसे फंड करती है कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैसे, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है ये बेसिकली इसके थ्रू गवर्नमेंट जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फंडेड करती है, इसको स्पॉन्सर करती है। आईसीएमआर जो है बेसिकली हमारी जो बायोमेडिकल रिसर्चेस होती है उन्हें प्रमोट करते हैं पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा मुरार रिसर्चेस जो होती है जिनके ऊपर काम चल रहा होता है उसको भी प्रमोट करने का काम करते हैं। जैसे जैसे डेकेड्स बीतते गए तो जो एक हमारा बेस है एक्स्ट्रा मुरार रिसर्चेस का वो बेसिकली धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और साथ ही साथ जो एक स्ट्रेटेजीज होती है जहां पर अपनी काउंसिल को एक्सपेंड किया जा सकता है उसके ऊपर भी काम चलता है। अब बात करें इसके जनरल प्रिंसिपल्स की, तो सबसे पहला आता है जितनी भी रिसर्च होती है उसका जो एक बेसिकली इनहेरेंट प्रोबेबिलिटी है वो ये होनी चाहिए कि क्या उससे खतरा हो सकता है, क्या उससे रिस्क आ सकती है, और साथ ही साथ कैसे एक रिसर्च पार्टिसिपेंट को या कम्युनिटीज को जो उसके अंदर बेसिकली उस स्टडी को करने के लिए डिजाइन किया गया है उसे कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सकती है, ये होता है। नेक्स्ट आता है जब भी हम एक बायोमेडिकल या हम एक हेल्थ रिसर्च कंडक्ट करते हैं उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हमारे 4 बेसिक प्रिंसिपल्स होने अनिवार्य हैं। जैसे सबसे पहला आता है रेस्पेक्ट फॉर पर्सन्स यानी कि ऑटोनॉमी, तो यानी कि हमें इज्जत करनी है लोगों की। नेक्स्ट आता है बेनिफिशियंस, फायदा क्या है उस रिसर्च को करके। नेक्स्ट आता है नॉन बेनिफिशियंस यानी कि कोई किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और लास्ट आता है जस्टिस यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। तो इस तरीके से एक रिसर्चर जो होता है उसको गाइड करना चाहिए, और कैसे वो अपनी डिग्निटी को, अपने राइट्स को, अपनी सेफ्टी और वेलबींग जो है उसका एक रिसर्च पार्टिसिपेंट का उसको बचा सकता है उसके ऊपर काम करना चाहिए। नेक्स्ट आता है ये हमें इंश्योर करना है बेसिकली कि जो रिसर्च हो रही है वो बेसिकली हमारी एक बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ हो रही है या नहीं, एथिक्स फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको एक्सपेंड करना है हमें किस में, 12 जनरल प्रिंसिपल्स में, कि आगे जाके जो भी हमारा एक बायोमेडिकल का फील्ड है या हेल्थ केयर रिसर्च होते हैं जहां पर ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स या रिसर्च जहां पर चल रही है जहां बायोमेडिकल मटेरियल या डेटा हम यूज करते हैं तो उसमें ये एथिक्स हमारे फॉलो हो रहे हैं। अब बात आती है नेक्स्ट की जनरल एथिकल इश्यूज क्या होते हैं। अभी हमने जनरल प्रिंसिपल्स की बात करी थी, नेक्स्ट है जनरल एथिकल इश्यूज। तो सबसे पहला जो रिसर्चर है उसे प्रोटेक्ट करके रखना है अपने डिग्निटी को, अपने राइट्स को, अपनी सेफ्टी को, और जो उसका एक वेलबींग है अपने रिसर्च पार्टिसिपेंट में उसको बचाकर चलना है। साथ ही साथ इनको अप्रोप्रिएटली उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो भी हमारे रिसर्चर्स होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, वो एक रिसर्च मेथोडोलॉजी में कॉम्पिटेंस होना चाहिए यानी कि उसमें वो अच्छे से डील कर सके, और जो उनकी एक नॉलेज है वो भी उनके साइंटिफिक मेडिकल या जो एथिकल या जो लीगल या सोशल रिक्वायरमेंट्स होती है एक रिसर्च के लिए वो सब उनके पास होनी अनिवार्य है। नेक्स्ट जो रिसर्चर होता है या स्पॉन्सर होता है तो ये सब मिलकर एक जो है बेनिफिट रिस्क असेसमेंट करते रहने चाहिए, और एक एक्टिवली अटेम्प्ट करना है कि जो भी एक मैक्सिमाइज बेनिफिट वो ला सकते हैं वो लाए, और एक जो मिनिमल रिस्क आ सकता है पार्टिसिपेंट्स का उस रिसर्च में वो लाना चाहिए। नेक्स्ट आता है जो बेनिफिट्स होते हैं इंडिविजुअल के लिए, खुद के लिए या कम्युनिटी के लिए या सोसाइटी के लिए, उन्हें कहा जाता है कि जो भी एक फेवरेबल आउटकम है उस रिसर्च का, उस काम का, चाहे वो डायरेक्ट आ रहा है या इनडायरेक्ट आ रहा है, वो भी जरूर करना है। साथ ही साथ जो सोशल और साइंटिफिक वैल्यू होती है उस पर्टिकुलर रिसर्च को लेकर के वो भी जस्टिफाई होनी चाहिए, जो भी रिस्क फैक्टर आ सकते हैं उससे, या जो एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि एक डिसकंफर्ट या एक हार्म हो सकता है तो उसको भी जस्टिफाई करना आना चाहिए। नेक्स्ट आता है जो रिस्क हमारे कैटेगराइज किए जाते हैं वो जो है मिनिमल रिस्क में या मिनिमल रिस्क माइनर, या जिसकी वजह से इंक्रीज हो सकता है मिनिमल या लो रिस्क, तो उसको भी हमें ठीक से मेंटेन करना है, उसे भी कैटेगराइज करना है कि आगे जाके मोर देन मिनिमल या हाई रिस्क बन रहा है या नहीं, वो भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है जो रिसर्चर होते हैं उन्हें हमेशा ये इंफॉर्म करना है, कंसेंट फॉर्म इंफॉर्म करना है पार्टिसिपेंट के द्वारा, लीगली एक्सेप्टेबल लेटर उनके पास होना चाहिए, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जिसे हम बेसिकली एक रिटन फॉर्म में ये हमारे पास
परमिशन होनी चाहिए। नेक्स्ट, जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो जो पार्टिसिपेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो पर्टिकुलर शीट होनी चाहिए और एक इन्फॉर्मेशन कंसेंट फॉर्म भी होना चाहिए, जिससे कि जो स्पेसिफाइड एलिमेंट्स हैं हमारे, जैसे सिंपल या लेमेंस लैंग्वेज में, वो होना चाहिए और जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे बेसिकली जो हमारी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा ये होना चाहिए। नेक्स्ट, जो रिसर्च है बेसिकली वो सेफ गार्ड होना चाहिए, उसकी प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए, कोई सीक्रेसी लीक नहीं होनी चाहिए और साथ साथ जो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है पार्टिसिपेंट्स की अपनी रिसर्च की, वो भी मेंटेन रहनी चाहिए। नेक्स्ट आता है जो बेनिफिट्स या बर्डन होता है एक रिसर्च का, वो जो है बेसिकली हमारा इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी, यानी कि जितने लोग भी उसे मिलकर कर रहे हैं रिसर्च को, सबके बीच में वो इक्वल बेनिफिट और बर्डन उनके ऊपर होने चाहिए। फायदा है तो सबका होना चाहिए, नुकसान है तो सबका होना चाहिए, बर्डन है, लोड पड़ रहा है काम का, तो वो भी सब पर होना चाहिए। ये नहीं है कि 5 जने मिलकर रिसर्च कर रहे हैं और एक ही परेशान हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पार्टिसिपेंट्स को हमेशा ये भी ध्यान रखना है, जो भी एक रिसर्च रिलेटेड एक्सपेंसेस होता है वो हमेशा उन सबको आपस में मिलकर पे करना है, और जो भी एक हमारा रूटीन क्लिनिकल केयर आता है उसको ध्यान में रखना है। रीइंबर्समेंट जो होता है एक्सपेंसेस का, वो सबके बीच में होना चाहिए, चाहे वो कैश है या जो भी किसी भी तरीके से वो करते हैं वो, और जब उनकी इस रिसर्च का कुछ दूसरी तरफ से आता है सामने से, यानी कि कोई हायर अथॉरिटीज देती हैं, फंडेड करती हैं इनको, तो वो भी सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही इसका फायदा उठा रहा है। तो ये था हमारे इस लेक्चर में बायोएथिक्स के बारे में। तो आई होप आपको इस लेक्चर में सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, आपको समझ आया होगा। तो इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ।